पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा जहां मुरादाबाद में सुयोजित विकास को लेकर काम किया जा रहा है, तो वहीं अवैध निर्माण पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर मुरादाबाद के दिल्ली रोड थाना पागबड़ा इलाके के तंबाकू फैक्ट्री के पास अवैध रूप से बने एक स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट की इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी सागर गुप्ता के नेतृत्व में 5 अवर अभियंताओं और पागबड़ा पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार का कहना है कि जो लोग मानकों की अनदेखी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और लगातार ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई को लेकर पागबड़ा इलाके में हड़कंप मचा रहा। लोग अवैध निर्माण को लेकर आपस में चर्चाएं भी करते नजर आए। आज दिनांक 4/12 को पूर्व में जो वही प्राधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया था, उसके क्रम में श्री मुस्तकीम पुत्र श्री अब्दुल रशीद, जिनका परिसर तंबाकू फैक्ट्री के पीछे TMU के सामने ग्राम समाथल पाकवड़ा में स्थित था, लगभग 1000 वर्ग गज के प्लॉट में जो उन्होंने अवैध कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, जिसमें उनका स्विमिंग पूल और एक रेस्टोरेंट भी उनके द्वारा संचालन किया जा रहा था, उसका नियमानुसार न्यायालय द्वारा आदेश पारित करके उसका आज अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया गया है। मेरी सभी से यही अपील है कि आप लोग किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों में अपने आप को संलिप्त ना करें। किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता है, तो आप MDA में आके अपना पता कर सकते हैं कि वहाँ का लैंड यूज़ क्या है। लैंड यूज़ के अकॉर्डिंग और जो भी नियम हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपने परिसर में कंस्ट्रक्शन करें, अन्यथा नियमानुसार प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।